व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सभी। मेरा नाम है खालिद। आज हम सेकंड डे पे आए हैं। सेकंड डे में हम बाइसेप और ट्राइसेप्स करेंगे और ये हमारी सीरीज 2 का बिगिनर्स वर्कआउट का की सेकंड डे है। सो ये एज यूजुअल एसएन भाई इसमें परफॉर्म करेंगे। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप की एक्सरसाइज है, जो आपके जो है डबल आर्म ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। चलिए एसएन भाई आए, ये 20 kg वेट है लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंगली लगाना है, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक। और एसएन भाई इसको शोल्डर पे पहले, वेरी गुड, ठीक है, चले नीचे, फुल नीचे, ऊपर, बस। अच्छा, फुल ऊपर नहीं करना इसको, 1 ये आपने 12 रैप्स करने हैं और 3 सेट करने हैं। ये आपकी सबसे अच्छी एक्सरसाइज है लॉन्ग हेड के लिए। जो ट्राइसेप में लॉन्ग हेड होता है लोग ही करते ही नहीं है, और सारी बाजू की जो शेप है वो सारी ट्राइसेप में है। 1 मोर, आप नहीं करने। सेकेंड एक्सरसाइज बाइसेप की एक्सरसाइज है, वो हमारी बाइसेप वर्क कल। सो आ जाए, अपनी रिस्ट को बिल्कुल बेंड नहीं करना। चले 12 रैप, देखें डोला बहुत बड़ा हो गया समझेगा, आपका भी होगा इंशाल्लाह। 2 मोर, 1 मोर, आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है वो ट्राइसेप रो पुश डाउन। तो उसके लिए हमें ट्राइसेप रो पुश डाउन चाहिए। तो ये हमारे शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड दोनों को टारगेट करेगी ट्राइसेप में। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है जो कि हम बाइसेप वर्क कल के बाद करेंगे। तो ऐसे नहीं, इसमें हम करना है, इसमें आगे चले चले, हाथ अपने आपने सेम शोल्डर पे के मुताबिक रॉड पे चले। 1 2 3 चेस्ट अप, ये कमर बिल्कुल सीधी रखनी है ये, और अपने रिस्ट को टेढ़ा नहीं करना, ये बेंड नहीं करना, ये बस अपने चेस्ट तक इसको लेके आना है, बस। 2 मोर, ये 12 रैप्स और 3 सेट्स करने हैं आपने। 1 मोर, डन, आ जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी वो बाइसेप्स की है, बाइसेप की ब्रैकियोलस की, इस चीज की, ठीक है। इसको कोई भी नहीं लगाता तो इसको आपने लाजमी लगाना। ये हमारी बाइसेप हैमर कर ले, ये डंबल से भी कर सकते हैं, रॉड से करनी तो हमें रिवर्स लिप करना करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट सीजन में बताएंगे। कैसे भी आ जाए, ये खड़े होकर भी लगा सकते हैं, बैठ के भी लगा सकते हैं। बाइसेप्स हैमर कर्ल, चलें चलें बिल्कुल। ये 1x1 भी लगा सकते हैं और डबल भी लगा सकते हैं, डबल लगाएंगे। 1 हिलना नहीं है, 2 देखें, 3 4 5 1 मोर। अच्छा, ये तो हमारी 4 एक्सरसाइज होगी, 2 बाइसेप की, 2 ट्राइसेप की। हमारी जो इसके बाद एक्सरसाइज है वो हमारी है ट्राइसेप ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन सिंगल आर्म्स। तो उसके लिए हम ये खड़े होकर पहले एक लगा के रखें, चलें। अच्छा, इसमें भी वो ये डबल आर्म की तरह हमें पूरा बाजू बेंड नहीं करना, ऊपर नीचे बस। अब बैठ के एक चलें, बोथ साइड, ईच साइड 12 रेपिटेशन, वेट अपने अकॉर्डिंगली लेना आपने। 1 2 एंड 1 मोर, आप, ठीक है। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है वो बाइसेप कर्ल है, 1x1 डंबल। ऐसे में जो बैठ बैठ देता हूँ वो आप खड़े होकर भी बाइसेप कर्ल लगा सकते हैं और बैठ के भी लगा सकते हैं। 1x1 चले, हैमर कर्ल की करेंगे, चले 1x1। 1 2 3 10 11 and 12, 3 सेट्स और 12 रेपिटेशन। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप सिटिंग डिप्स। अच्छा, ऐसे में वो एक स्ट्रेट बेंच पे किसी भी आपने उस पर आपने करनी है, चले तो टांगे बस बस, आप जस्ट आप। और अभी जो बैक है ना, बैक और बेंच के बिल्कुल पास रखना, चले सीधा नीचे, बस बस लगा दें। 12 रेपिटेशन, 3 सेट ट्राइसेप डिप्स, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 मोर, थैंक यू। इसके बाद जो हमारी इसके बाद एक्सरसाइज है वो है बाइसेप प्लेट, प्लेट कर्ल। कोई भी 10 kg की, 5 kg, 10 kg, 15 kg, अब कोई भी प्लेट लेके उसे आप कर सकते हैं। सो हम 15 kg के साथ कर रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल न्यूट्रल ग्रुप, बिल्कुल। अब थोड़ा सा आपको देखिए कलर मैच किया हमने आज, ग्रीन ग्रीन, चले नीचे आए ये बस ऊपर। 1 2 3 4, 2 मोर, 1 11 and 12, बस। सो थैंक यू गाइस, ये था हमारा सेकंड डे का वर्कआउट आर्म्स का। सो ये आपने ये अच्छा अपने अपने अकॉर्डिंगली वर्कआउट करना है, अपने मसल के ईगो लिफ्ट नहीं करना। फिर अगेन
ईगो लिफ्ट नहीं करना, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इशू बताऊं क्या होता है, हम लोग दूसरों को देखते हुए ना अपनी बॉडी को इंजर्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले क्या होगा कि आपकी टेनिस एल्बो, आपकी रिस्ट पे वेट आएगा। कभी भी आपने ईगो लिफ्ट नहीं करना, आस्ता आस्ता ग्रेजुअली अपडेट करना है, आस्ता आस्ता बढ़ाना है। और एकदम ही कि आज हम आए हैं तो कल हमने आगे निकल बनकर निकलना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सो बी नेचुरल और नेचुरल रहना है, कोई गलत चीज यूज नहीं करनी। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।